नई पहल। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं प्रियंका सिंह। इस वक्त हम पहुंचे हैं भैरव स्थान। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस मंदिर का अस्तित्व क्या है। बोकारो जिला का चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र आजकल काफी चर्चा में है। आपको बता दें कि भोजूडी स्थित भैरवनाथ मंदिर को काफी ऐतिहासिक माना जाता है। हम पहुंचे हैं यहां का जलकुंड। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस जलकुंड का अस्तित्व क्या है। इनका इतिहास यही है कि ये मूर्ति सन 1500 लगभग स्थापित हुआ। उस समय मेरा पूर्वज कहीं जा रहे थे, इन नदी में ये मूर्ति पलटा हुआ था। इनका ऊपर बैठ के स्नान किए चले गए। रात को स्वप्न हुआ, बाबा ने बोले कि हमको ले जाकर के जो कुंड है, कुंड उस समय था यहाँ पर, विशाल जंगल था, वो कुंड में जाकर के हमको स्थापित करो। तो उन्होंने रात को उठे और बताए आदमी को, और सवेरे गए, पत्थर नहीं उठा, बैलगाड़ी में लोड किया नहीं उठा, रात को ट्रक रख किए, उस समय बहुत गाड़ी का सुविधा नहीं था। फिर बाबा स्वप्न दिए, बोले कि नहीं, हम मस्तक पर ही जाएंगे, हम जैसे एक पत्ते के जैसा हो जाएंगे, जैसे नियम होता है, जैसे मानते हैं संजोत, जैसे सप्तमी होता है, उस तरह का नियम करके आओ, हम जाएंगे। ब्राह्मण गए, जैसे पत्थर उठाए, पत्थर उठ गया, ले आकर के यहाँ पीछे में पेड़ था, स्थापित किए। उस समय राजा का राज था। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे राजा का भी खबर हुआ, काशीपुर राजा आदरा। जब राजा का खबर हुआ तो कुछ दिन के बाद राजा ही आए, उनका पुत्र नहीं था, वंश नहीं था। वो मानत किए कि मेरा मनोकामना सिद्ध होगा बाबा, तो आपको हम पूरा सेवा का युग युग का व्यवस्था करेंगे। कुछ दिन के बाद उनका पुत्र लाभ हुआ, तो सारी व्यवस्था किए थे, लेकिन वो सब रहा नहीं, लोग छोड़ दिए, कोई बेच दिए, कोई लड़के का शादी में, कोई भोज में, कोई कुछ में, लेकिन हम लोग लगे हुए, हमारा पूर्वज लगा हुआ है यहाँ पर। स्थानीय लोगों के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार इस जगह पर पांचों पांडव की कहानी भी जुड़ी है, जो आज के समय में काफी महत्वपूर्ण है। बहुत कम ऐसे स्थान हैं जहां शास्त्र से जुड़ी मंदिरों का पहचान हुआ है। वैसे ही बोकारो का यह मंदिर है जिसकी चर्चा रामायण में भी किया गया है। भैरव स्थान के नाम से जाना जाने वाला यह मंदिर बोकारो जिला के अंतिम छोर पर स्थित है। वही इस मंदिर के उत्थान थान के लिए झारखंड सरकार 2 दिवसीय कार्यक्रम भी करवाती है, जिसमें दूर दराज से भी लोग देखने आते हैं। कार्यक्रम को लेकर बोकारो जिला प्रशासन काफी सक्रिय है। आपको बता दें कि इस बार प्रोग्राम में झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और झारखंड सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। लोगों के रिझान के लिए झारखंड सरकार यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करवाती है। तैयारी देखिए, हम लोग थोड़ा सा बारिश से व्यवधान आया है, इसमें उत्पन्न हुआ है, लेकिन हम लोग पूरे लगे हुए, आज रात भर में कोशिश है। सारा बैरिकेडिंग का काम, सारा ये पार्किंग वर्किंग सारा काम हो चुका है। स्टेज का काम है, हम लोग उसको रात तक में फिनिश कर लेंगे। बस भगवान से ही हम लोग गुजारिश कर रहे हैं, थोड़ा सा बारिश कम हो जाए तो, क्योंकि हम लोग रेनकोट उनकोट भी मंगा लिए हैं सारा चीज़, ताकि काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद तो है अभी कि कर लेंगे अच्छा से। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी टाइट रहेगी, हम लोग शुरू से हम लोग लगे हुए हैं, DSP साहब भी साथ में हैं, और उसके लिए इस बार पिछले साल से ज़्यादा फोर्स हम लोग इस पर रख रहे हैं। पिछले साल 300 रखे थे, इस बार 500 हम लोगों ने रखा है। हाय, मैं हूँ ममता शर्मा और मैं आ रही हूँ भैरवनाथ महोत्सव में 27 सितंबर 2019 को। तो आप सब लोग तैयार रहिएगा नाचने के लिए, झूमने के लिए। सत श्री अकाल, मैं हूँ दलेर मेहंदी और मैं आ रहा हूँ भैरवनाथ महोत्सव के लिए 28 सितंबर को बोकारो। जी हाँ, आप तैयार होइए, खूब खाने वाने खाइए, खूब सी एनर्जी बनाइए, क्योंकि मैं आ रहा हूँ आपको बहुत सारे गाने गाने और बहुत सारे गानों के साथ डांस कराने बोकारो 28 सितंबर। रब रखा, सी यू।